नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। आज हम वास्तु के एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करना चाहते हैं। नॉर्मली घरों को सुंदर बनाने के लिए हम तरह तरह के चित्र अपने घर में लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन चित्रों का भी अपना एक प्रभाव होता है। कहा जाता है चित और चित्र के बीच में एक गहरा संबंध होता है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो शुभ और अच्छी नहीं है तो आपका मन खराब हो जाता है। ऐसे ही घर में जब आप कोई फोटो लगाते हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, आपकी वास्तु की एनर्जी पे पड़ता है। अगर आपके घर में लोग क्रोध से, चिड़चिड़ेपन से परेशान हैं, या उनका किसी कार्य में मन नहीं लगता है, या विकास में चारों तरफ से बाधा हो रही है, आपके बच्चे खराब हो रहे हैं, तो आप देखें कहीं आपके घर में कोई नकारात्मक चित्र या फोटो या कैलेंडर तो नहीं लगा हुआ है। उन कैलेंडरों के बारे में या फोटो के बारे में या पेंटिंग के बारे में हम आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे युद्ध की फोटो कभी नहीं लगानी चाहिए। हमने आपसे कहा चित और चित्र का बड़ा गहरा संबंध होता है। जब आप अपने घर में युद्ध की फोटो लगाते हैं, नॉर्मली लोग महाभारत या कृष्ण के सुदर्शन चक्र के साथ लोगों को मारती हुई फोटो या ऐसी हिंसात्मक फोटो जो हमारे धर्म से तो जुड़ी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा युद्ध और हिंसा का भी प्रतीक है, यह फोटो कहीं न कहीं से आपके घर में रहने वालों लोगों के ऊपर चित्त में उत्तेजना लाएगी, जिससे लोगों में क्रोध, चिड़चिड़ापन या एक्सेस एनर्जी की स्थिति में लोगों का कार्य करने का मन नहीं करता है। अब हम बात करते हैं हिंसात्मक फोटो। कई लोग जंगली जानवरों की फोटो लगाते हैं, देखने में फोटो अच्छी लगती है, मांसाहारी जानवरों की फोटो लगाते हैं, लेकिन आपको बता दें ये फोटो जो होती है अपनी निगेटिव एनर्जी आपके वास्तु में छोड़कर आपके घर को कहीं न कहीं से खराब करती है, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करती है। लोग जानवरों की फोटो ना ही लगाएं। अगर लगाते हैं तो बड़े सुंदर और ऐसे जानवर जैसे खरगोश हुआ, कछुआ हुआ, जो अपने अंदर एक सहजता और प्रेमपूर्ण का भाव रखे हुए हों, उनकी फोटो लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि डूबी हुई चीज़ें, जैसे कोई नाव डूब रही है या कोई बिल्डिंग गिर रही है, झुक रही है, या कोई ऐसे महल को जो आज के टाइम में यूज नहीं किया जा रहा हो, जो वीरान पड़ा हो, ऐसी पेंटिंग अगर आप घर में लगाते हैं जो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। आप अगर ऐसी कुछ लगाना चाहते हैं तो एक भरा पूरा परिवार हो, ऐसी पेंटिंग आप लगाएं जिसमें बच्चे खेल रहे हों, उत्साह का प्रतीक हो, ऐसी पेंटिंग आप लगाएंगे तो अच्छी रहती है। मैंने देखा कई बार घर है, उसके बाहर एक नारी उदास होकर बैठी हुई है, या कोई नाव है वो डूब रही है, एक आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई मकान है वो गिर रहा है, लोग उससे निकल के भाग रहे हैं, ऐसी तस्वीर और फोटो लोग अपने सामने या अपने घर में रखते हैं, यह शुभ नहीं माना जाता है। कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके अंदर निगेटिव एनर्जी का समावेशन करती हैं। इससे घर में आर्थिक समस्या के साथ साथ पारिवारिक मनोवृत्ति में भी अंतर आएगा। भगवान भोलेनाथ का घर में रहना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग एक निश्चित मात्रा में अगर उनकी लंबाई हो उसकी पूजा करना अच्छा माना जाता है, लेकिन मैंने कई बार देखा है लोग नटराज की फोटो या नटराज को मेटल में रखकर अपने घर में रखते हैं, वह स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी। नटराज अर्थात भगवान भोलेनाथ का वह स्वरूप जब वह क्रोधित होते थे। आप उठाकर इतिहास देखेंगे, इतिहास का तात्पर्य है धार्मिक जो हमारी पौराणिक पुस्तकें हैं, जब आप उसको उठाकर देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ को जब क्रोध आता था, जब उनकी एनर्जी एक्सेज होती थी, तब वह नटराज रूप रखते थे। भगवान भोलेनाथ का अगर आपका सुंदर रूप रखना है
तो माता पार्वती के साथ, गणेश के साथ, कार्तिकेय के साथ, नंदी के साथ एक शुभ भाव वाली जो तस्वीर है वो रखिए। जैसे राम दरबार आप घर में रखिए, अगर घर में राम दरबार आप रखते हैं तो घर में परिवार में एकता आएगी, विकास होगा, ज्वाइंट फैमिली अच्छी जाएगी। अगर आप हनुमान जी की, भगवान राम की सेवा करने वाले भाव की फोटो या तस्वीर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हनुमान जी और राम की दोनों की पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। लेकिन वहीं पर आप राम और रावण से हो रहे युद्ध की एक तस्वीर रखेंगे, वह अच्छी नहीं मानी जाएगी। कांटेदार जो वृक्ष होते हैं, कभी कभी मैंने देखा लोग पेंटिंग में, तस्वीर में एक वीराने जंगल में कोई आदमी खो गया है, बच्चा खो गया है, कोई जानवर है, ऐसी फ़ोटो लगाते हैं कांटेदार जिसमें वृक्ष हो, ऐसी फ़ोटो आप घर में ना लगाएं। छोटी छोटी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, कभी कभी इन्हीं छोटी चीज़ों से आपके घर में बड़ा नुकसान और बड़ा वास्तु दोष पैदा होता है। इसीलिए घर में कोई भी चीज़ ले आएँ, सोच समझ के ले आएँ और वास्तु के अकॉर्डिंग लाएँ। आपको वो चीज़ तुरंत हो सकता है ना लगती हो कि आपके ऊपर कोई इफ़ेक्ट डाली, लेकिन जैसे जैसे समय गति करता है वह अपना प्रभाव आपके ऊपर डालना शुरू कर देता है। कोई भी निगेटिव चीज़ घर में आप कंज्यूम ना करें, ज़्यादा देर तक बिल्कुल ना रखें, नहीं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी। आपने देखा होगा हमारे पूर्वज नॉनवेज जब बनाते थे घर से बाहर बनाते थे, घर का जो कॉमन किचन होता था जिसमें प्रतिदिन भोजन बनता था उसका प्रयोग कम करते थे। कारण है किसी जानवर की मृत्यु हुई है, उसकी आह गई है, उसका मांस आया है, उसके भी जुड़े हुए जो जानवर होंगे वो दुखी होंगे, उसके मांस को आप घर में ले आएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, तो कहीं न कहीं से एक निगेटिव एनर्जी आपके घर में आएगी। पहले तो नॉनवेज लाना अच्छा नहीं था, लेकिन लोगों ने सोचा कि अगर आ ही गया है, लोग ले ही रहे हैं, तो उसको घर से बाहर के किचन में ही रखा जाए, उसको घर में प्रवेश ना दिया जाए। यह एक तरह से वास्तु को सुरक्षित करने का एक बेहतरीन तरीका होता था। शौचालय तक लोग घर में नहीं बनवाते थे। आप प्राचीन काल में देखेंगे शौचालय घर के बाहर होता था। क्यों? क्योंकि शौचालय रखने से घर में एनर्जी थोड़ा डिस्टर्ब होगी। लेकिन वर्तमान समय में शौचालय घर में बनवाना बहुत ज़रूरी है, मजबूरी है। अगर आप बनवाते हैं तो उसको ज़रूर वास्तु के अनुसार बनवाएं। घर में कोई तस्वीर या फोटो लाते हैं, कोई भी शुभ अशुभ चीज़ लाते हैं, उसको एक बार सोचें ज़रूर। अशुभ चीज़ को ना लाएं, शुभ चीज़ को घर में ले आएं, आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो एक छोटी सी चीज़ आपके दुख का कारण बनेगी, विकास में बाधा की कारण बनेगी। कई बार हमने देखा चलता फिरता बिजनेस एकाएक बैठना शुरू कर देता है, कुछ नहीं, घर में छोटी छोटी चीज़ों की कमी के नाते संतान सुख में कमी होती है, बच्चे खराब होते हैं, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, गर्व नहीं आता, संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने घर के वास्तु की बारीक चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके मन में ज्योतिष या वास्तु से संबंधित कोई प्रश्न हो तो दिए नंबर पर फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।